वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूप टू मोटिव। आज बात करेंगे तो होंडा शाइन का SP125 जो वेरिएंट है उस बाइक के बारे में बात करेंगे। तो इस बाइक में बेसिकली जो प्रॉब्लम है, ये बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा था, मेरे पास आया है ये बाइक, तो मैंने आज काम किया है। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, तो क्योंकि ये बाइक जो है ये मार्केट में बेहद पॉपुलर बाइक है। तो क्यों पॉपुलर है, तो इसके माइलेज के लिए, इस बाइक में जो प्रॉब्लम के लिए आया है, ये बाइक जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, स्टार्ट एकदम से ही नहीं ले रहा है, मतलब जरा सा भी नहीं। तो मैंने जब चेक किया, ये बाइक का जितना भी पार्ट्स है मैंने सब चेक कर लिया है, मतलब स्पार्क, इलेक्ट्रिक लाइन, फ्यूल सप्लाई जो है, मैंने हर चीज मैंने चेक किया है, उसके बावजूद भी ये बाइक मैं स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ। तो सब कुछ ट्राई करने के बाद मैंने फाइनली कस्टमर्स को कॉल लगाया, कस्टमर से मैंने पूछा ये बाइक कैसे बंद हुआ था, मतलब ऐसे ही बंद हो गया चलते चलते, या कोई एक्सीडेंट या कुछ वगैरह हुआ है। तो कस्टमर ने मुझे फाइनली बताया कि एक्सीडेंट हुआ था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बाइक गिर गया था, राइट साइड में गिर गया था। तो राइट साइड में गिरने के बाद ये बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा था। तो जब मेरे पास आया, मैंने भी बहुत कोशिश किया बाइक को किक से स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ से स्टार्ट करने के लिए, तो ये बाइक स्टार्ट एकदम से ही नहीं ले रहा है। कस्टमर से बात सुनने के बाद दोस्तों, मेरा जो ये तरीका है, मैंने ये चेंज किया। तो चेंज करने के बाद ये बाइक स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, इसको आप लोगों को आगे देखना पड़ेगा दोस्तों। तो आज का वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि सिंपल तरीके से ऐसे बेहद मुश्किल हालत में बाइक को कैसे स्टार्ट किया जाता है। बने रहिए दोस्तों वीडियो में। और जो नए व्यूअर्स है दोस्तों, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाइक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डालता हूँ। तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो वीडियो आप लोगों के पास जरूर पहुंचेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जरूर वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, लेके चलता हूँ अपने काम पे। तो दोस्तों, ये होंडा शाइन BS4 वाला वेरिएंट है। तो ये गाड़ी गिरने के बाद ये गाड़ी स्टार्ट लेना बंद कर दिया। लेकिन क्यों बंद कर दिया, इसका क्या रीज़न है? जो रीज़न है एक्चुअली में क्या हुआ था, ये गाड़ी जब गिर गया था तो ये गाड़ी स्टार्ट था। तो स्टार्ट होने के टाइम पे क्या होता है, BS4 वाला जितना भी वेरिएंट है वहाँ पे कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर में पेट्रोल सप्लाई रहता है जब गाड़ी स्टार्ट रहता है। तो पेट्रोल सप्लाई रहने के टाइम पे क्या होता है, वो पेट्रोल चला जाता है कभी कभार इंजन के अंदर, और इंजन में जाने के बाद वो पेट्रोल क्या करता है, इंजन ऑयल के साथ वो मिक्स्ड हो जाता है और इंजन ऑयल को कर देता है पतला। तो इसका कारण से कभी कभार कोई भी गाड़ी स्टार्ट लेना बंद कर सकता है। लेकिन BS6 में ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे थ्रॉटल बॉडी होता है कार्बोरेटर के जगह, और वहाँ पे एक सेंसर भी लगा रहता है। जब भी गाड़ी किसी भी कारण से गाड़ी अगर गिर जाता है तो वो पावर सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली कटआउट हो जाता है और गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन BS4 में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा मानना है अगर आप लोगों के पास BS4 वाला वेरिएंट है, अगर वो किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर गिर जाता है गाड़ी, तो तुरंत आप लोगों को जो काम करना है, गाड़ी का जो इग्निशन है वो ऑफ कर देना होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, कार्बोरेटर में पेट्रोल सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगा, तो किसी भी हद तक आप लोग इंजन में पेट्रोल जाने से आप लोग रोक सकते हैं। तो हो सकता है गाड़ी आपका स्टार्टिंग में दिक्कत ना आए। तो आइए देखते हैं इस गाड़ी में जो इंजन के अंदर पेट्रोल चला गया था, तो इंजन को बिना खोले कैसे पेट्रोल इसका साफ किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो मैं ये गाड़ी को देखिए, ये इग्निशन ऑन है, मैंने चाबी लगा दिया है, इग्निशन ऑन है, लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगा। तो ये किसी भी तरीके से ये गाड़ी को मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस गाड़ी में करंट भी ठीक ठाक से आ रहा है। मैं देखा, शायद आप लोग देख सकते हैं कि स्पार्किंग हो रहा है,
थोड़ा छोड़ा करके आवाज़ आ रहा है, स्पार्किंग का आवाज़ आ रहा है। मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस गाड़ी में करंट का कोई इशू नहीं है, करंट ठीक ठाक से आ रहा है। स्पार्किंग हो रहा है, गाड़ी में करंट का कोई इशू नहीं है। तो स्पार्क मैंने लगा दिया है, स्पार्क प्लग। इस गाड़ी में करंट का कोई इशू नहीं है, लेकिन खाली ये गाड़ी जो है स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो होंडा का जो गाड़ी है वो बेसिकली प्रॉब्लम आता है कि कार्बोरेटर से पेट्रोल चला गया था एयर फिल्टर के अंदर, और एयर फिल्टर से ये पेट्रोल चला गया है डायरेक्ट इंजन के अंदर। तो मैं इस साइड से दिखाना चाहता हूँ। तो गाड़ी का जो पेट्रोल है वो इंजन साइड में चला गया है। तो इसका सबसे बड़ा जो सबूत मिलता है, ये जो इंजन ऑयल है, ये इंजन ऑयल बिल्कुल पतला हो गया है। इसमें ये देखिए दोस्तों, ये इंजन ऑयल बिल्कुल पतला हो गया है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि इंजन ऑयल में पेट्रोल चला गया है, तो इसीलिए ये गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा। तो इसके लिए मैं ये जो साइलेंसर है मैं इसको ओपन करूंगा। मैंने एयर फिल्टर जो है, एयर फिल्टर का जो पोर्शन है मैं पहले ही ओपन कर दिया हूं, और अभी जो पोर्शन है ये साइलेंसर, इनको साइलेंसर जो है इसको ओपन करना बाकी है। तो मैं साइलेंसर ओपन करके मैं देखता हूं कि ये गाड़ी स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। साइलेंसर मैं इसीलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है साइलेंसर के अंदर बहुत सारा कार्बन जमा हो जाता है, तो इसके वजह से भी गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर साइलेंसर को उतारने के बाद ये गाड़ी अगर स्टार्ट होता है तो मैं श्योर हो जाऊँगा कि साइलेंसर में प्रॉब्लम है, मतलब साइलेंसर में ज़्यादा कार्बन आ गया है, तो इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा। लेकिन अगर साइलेंसर ओपन करने के बाद भी ये गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होता है तो मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊंगा कि इंजन के अंदर पेट्रोल चला गया है। तो उसके बाद मेरा दूसरा प्रोसेस में जाऊंगा। मुझे नहीं लग रहा है ये गाड़ी इतनी आसानी से स्टार्ट लेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे जो दूसरा प्रोसेस है मुझे वो लेना ही पड़ेगा। इंजन ऑयल देने से पहले दोस्तों, इस गाड़ी में मैं पुराना जो मोबिल है तो वो डालूँगा, वो ड्रेन होगा। ऐसे दो तीन बार करने से दोस्तों इंजन का जितना भी पेट्रोल है, मतलब जो भी पेट्रोल इंजन के अंदर चला गया था वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। Start.